पश्चिमी दिशा से उठा एक ऐसा तूफान जो 4 दिन की पैदा हुई फेरियोरिसा की पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला था। हवा की तरह तेज रफ्तार और उनके दौड़ने की गूंज बता रही थी कि वो आज अपना मकसद पूरा करने आए हैं। घोड़ों का वो काफला जब प्रीमा ने अपनी ओर बढ़ती देखा तो उसने तुरंत फेरियोरिसा को एक टोकरी में बैठा कर नदी की दूसरी दिशा से चलता कर दिया। वो देखो, वही है बाहु की पत्नी, जाकर हमला कर दो उस पर। दरियाई घोड़ों ने रीमा को पूरी तरह से कुचल डाला और बिल्कुल जख्मी कर दिया और फेरियोरिसा को इधर उधर देखने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई। तब घोड़ों के सरदार ने उन सबको अपनी तरफ बुलाया। सब इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर इस्कार महाराज को पता चला कि हमने फेरियोरिसा को जान से नहीं मारा तो इस्कार हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबको यही जाकर कहना होगा कि हमने बाहु की पत्नी और उसकी बेटी फेरियोरिसा को जान से मार डाला। उधर रीमा का पति बाहु बहुत परेशान हो रहा था। 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया, रीमा और फेरियोरिसा अभी तक पानी पीकर नहीं आई। भला इतना समय भी कोई पानी पीने में लगाता है? चलकर देखता हूँ, पता नहीं क्या बात होगी। बाहु जब नदी पर पहुँचा तो देखा रीमा मरी हुई पड़ी थी और वो घोड़े तेजी से जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बाहु वहाँ से भागता हुआ तेजी से सीधा अपने छोटे भाई इस्कार के पास पहुँचा। भाई, दरियाई तूफानी घोड़ों ने मेरी बेटी और मेरी पत्नी का जीवन छीन लिया, अब वो मेरे जंगल के मासूम जानवरों को भी मार डालेंगे। तुम जवान हो, ताकतवर हो, तुम मेरे साथ चलो। इधर बाहु इस्कार की मिन्नतें कर रहा था और उधर तूफानी दरियाई घोड़ों ने उसकी प्रजा पर जुल्म कर रखे थे। तब वहीं इस्कार अपनी पीठ पर बाहु को लाद कर लाता है और जानवरों के सामने फेंक देता है। ये लो, ये है तुम्हारा महाराज। अब ये बूढ़ा हो गया था, तुम्हारी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो बस इसे मार डाला। आज से ये भूमि मेरी है और यहाँ के राजा है हम। बाहु के भाई इस्कार ने बाहु के पूरे परिवार को तबाह कर दिया और यहाँ का राजा बन गया। उधर फेरियोरिसा एक दिन तक लगातार चलती चलती नदी में बहती हुई आगे चली जा रही थी। वहाँ एक मछुआरा भालू यहाँ से मछलियाँ निकालता था, लेकिन आज जब वो मछलियाँ निकाल रहा था तो उसके पिंजरे में कुछ भारी सा फंस गया। अरे ये क्या, मछली तो इतनी भारी नहीं होती, देखता हूँ पता नहीं क्या है इसमें। भालू ने जब जाल खोल कर देखा तो उस टोकरी में जीती जागती एक शेरनी थी। अरे ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, कोई जालिम ही होगा जिसने यूं मासूम बच्ची को बेसहारा करके छोड़ दिया। खैर, अब से ये मेरी बेटी है। तब मछुआरा भालू उसे अपने घर ले आया। ये हमारी बेटी है, आज से ये हमारे साथ रहेगी। अरे तुम्हारा तो काम है किसी भी एरे गेरे को उठा कर ले आना, अब ये ना जाने किसे उठा कर ले आए हो। तुम अपनी जुबान बंद रखो, देख नहीं रही हो कितनी मासूम है ये? तुम इसका कुछ नहीं करना चाहती तो मत करना, लेकिन आज से ये मेरे साथ ही रहेगी और मैं पालूंगा इसको। मछुआरा भालू उसे अपने साथ रखता और खुद ही उसके सारे काम करता। भालू मछुआरा उसे पाल रहा था और उधर इस्कार के ही जंगल में एक शेरनी भेष बदल कर छुप छुप कर रहती थी। देर रात होने से पहले पहले वो अपने घर लौट जाती। आ गई तुम, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें अंदर आती? नहीं, इस्कार अभी अपने सिपाहियों के साथ ही यहाँ से निकला है, तो मैं भी जल्दी से अंदर आ गई। दरअसल ये शेरनी कोई और नहीं बल्कि फेरियोरिसा की माँ रीमा ही है। जब इस्कार के घोड़ों ने उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया था तो गाय उसे खींच कर अंदर एक घर में ले गई थी और अंदर का दरवाजा बंद कर लिया। गाय ने रीमा के जख्मों को सूखने के लिए उसे जड़ी बूटियां खिलाई और कुछ ही दिन बाद रीमा स्वस्थ हो गई। कोई भी रीमा को ना पहचान सके इसीलिए उसने अपने ऊपर सफेद रंग कर लिया था और वो अपने इसी जंगल में रहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे जितना भी वक्त लगे तुम्हें वापस लौटना ही होगा। फेरियोरिसा, तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारा इंतजार देखती है। पता नहीं महारानी, 4 दिन की वो मासूम जिसने अपना नाम पता सब खो दिया, कैसे पहुंच पाएगी वो हम तक। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। उधर फेरियोरिसा बढ़ती जा रही थी। वो अपने बाबा मछुआरे भालू के साथ नदी पर मछलियाँ पकड़ने आई हुई थी। मछुआरा भालू इधर नदी से मछलियाँ निकाल रहा था और उधर दूसरी तरफ गाय वहीं घास चरने आई हुई थी। तभी उसकी नजर फेरियोरिसा पर पड़ गई। क्या, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? अरे ये तो फेरियोरिसा है। लेकिन गाय उन तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो वहां से चले गए। गाय तेजी से भागती हांफती रीमा शेरनी के पास आई। महारानी जी, महारानी जी, आज हमारी तलाश पूरी हो गई। मैंने आज एक मछुआरे के साथ फेरियोरिसा को देखा। क्या, तुम सच कह रही हो? मुझे ले चलो उसके पास। वो नदी के दूसरी तरफ थी महारानी। मैं जब तक उस तक पहुंच पाती तब तक वो वहां से चली गई थी। मुझे उसी नदी तक ले चलो गाय। गाय और रीमा तुरंत उसी नदी तक पहुंच गई। इस नदी के रास्ते कहां कहां तक जाते हैं गाय? महारानी जी, ये नदी तो बहुत बड़ी है, इसके रास्ते बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। पता नहीं हम कैसे तलाश पाएंगे उसे। गाय बहन, अब उसे तलाशने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन हम उसकी खोज कर कर रहेंगे। रीमा और गाय सुबह ही निकल जाते और शाम तक फेरियोरिसा का ठिकाना ढूंढने लगते। कई दिनों तक उन्होंने फेरियोरिसा के ठिकाने को ढूंढने में लगा दिए। तब एक शिकारी ने उन्हें उस मछुआरे भालू का पता बताया। वो दोनों तुरंत उसी पते पर पहुंच गई तो उन्होंने देखा फेरियोरिसा सही सलामत झोपड़ी के सामने टहल रही थी। मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई फेरियोरिसा। तुम्हारी माँ ने तुमसे मिलने के लिए कितना इंतजार किया। माँ? कौन माँ? मेरी कोई माँ नहीं है, मेरे बस बाबा हैं। बेटा, यही तुम्हारी माँ है, हम तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। हमारे विवाह के पूरे 20 साल बाद जिस दिन तुम्हारी गूंजती किलकारियों ने हमारी जिंदगियों में खुशियाँ बिखेर दी, उसी दिन किसी ने इन खुशियों को छीनने की भी ठान ली थी। तुम्हारे पिता बाहू अपने बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो वो था स्कार। स्कार को हमेशा से लालच था बाहू की भूमि पर राज करने का। लेकिन कई सालों बाद चूंकि तुम जंगल का वारिस बनकर पैदा हो चुकी थी तो ये बात स्कार को बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो तुरंत अपने जंगल गया और अपने सिपाहियों से कहा, आज तक मैं उस बूढ़े बाहू के मरने का इंतजार करता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले उसकी वो बेटी बड़ी होकर जंगल में से जमीन का हिस्सा मांगने लगे, जाकर उसके प्राण नोच लाओ। अब बेफिक्र हो जाए महाराज, वो दरियाई घोड़े हमने उसकी तबाही के लिए ही पाले हुए हैं। और ये सारी बातें मैंने सुन ली थी। इससे पहले मैं महारानी तक पहुँच पाती उन घोड़ों ने सब तबाह कर दिया। बेटा, उस दिन जब दरियाई घोड़ों ने मुझ पर हमला किया तो मैंने तुम्हें बहती नदी के पानी में रख दिया और तुम चलती चलती भालू के इस घर तक पहुंच गई। लेकिन अब उस स्कार से बदला लेने का वक्त आ गया है बेटा। रीमा ने फेरियोरिसा को जब सारी सच्चाई बताई तो फेरियोरिसा को सब याद आ गया और मछुआरा भालू भी वहाँ पहुँच गया। अरे बेटा, ये कौन है? तब फेरियोरिसा की माँ ने उसे सारी सच्चाई बताई। फेरियोरिसा को पाल कर भालू भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं पास के जंगल की महारानी हूँ, भले ही अभी मैं छिप कर रहती हूँ लेकिन वक्त आने पर जालिम का अंजाम बुरा होगा। कभी भी कोई काम पड़े तो एक बार मुझे जरूर पुकारना। मैंने इसका नाम वीना रखा था, इसे तुम्हारे साथ भेजने का मन तो नहीं है लेकिन खुशी इस बात की है कि वीना को अपनी माँ मिल गई। और रही बात बदले की कि इस कार को चंगुल में कैसे फंसाना है वो मैं खुद देख लूँगा। तुम? लेकिन कैसे भाई? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तब भालू इस कार के ही पास उसके जंगल में गया। महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ,
अभी भी समुद्र से मछियां लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कल एक ऐसा सौदा हाथ लगा था जिससे मैं करोड़पति बन सकता था। कल मेरे पिंजरे में मछलियों की जंगे सोने की अशरफियों का भरा एक मटका फंसा था, लेकिन उसका इतना वजन मेरा जाल संभाल नहीं पाया। अगर तुम उसे मेरे साथ मिलकर निकालना चाहो तो हम दोनों आधा आधा बांट सकते हैं। हाँ हाँ भालू, क्यों नहीं। क्या तुम उस नदी का पता जानते हो? मैं उस जंगे के चप्पे चप्पे को जानता हूँ महाराज, बस आप मेरे साथ चलो तो फिर ठीक है, कल ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्कार अपने सिपाहियों के साथ जहाज लेकर नदी में उतर गया और भालू भी पीछे पीछे अपनी कश्ती में चल दिया। हाँ हाँ महाराज, उस बड़े पत्थर के पास ही अशरफियों का बड़ा मटका है। स्कार ने कश्ती उसी तरफ कर ली, लेकिन जैसे ही स्कार ने कश्ती को उस तरफ बढ़ाया तो एक बड़ी विशाल मछली बाहर निकल कर आई और एक ही बार में उन सब को कच्चा चबा गई। मैं मछुआरा हूँ स्कार बेटा, समंदर में कहाँ क्या है सब जानता हूँ। तुझसे पहले भी ना जाने ये मछली कितने लालचियों को निगल गई। और आज रीमा और फेरियोरिसा का बदला पूरा हो गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।